हेलो दोस्तों, एवल निगमा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारत में बहुत सुंदर सुंदर जगह है जो बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन साथ ही साथ हमारे भारत में ऐसी जगह भी है जहां लोग रातों में तो क्या दिन में भी जाना पसंद नहीं करते। दोस्तों, एक गांव है जिसे कई लोग भूतिया गाँव भी कहते हैं, क्योंकि इस गाँव में भूतों का बसेरा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है इस गाँव की कहानी और कैसे बना ये एक भूतिया गांव। भूतों से भरा गांव। उत्तराखंड के चंपावत जिले में मौजूद स्वाला गांव को यहां के लोग भूतिया गांव भी कहते हैं। इस गांव के भूतिया बनने के पीछे एक कहानी है। ये गांव इतना फेमस है कि कई न्यूज चैनल यहां पर रिपोर्टिंग कर चुके हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि स्वाला गांव के पास 1952 में पीएससी की एक बटालियन गाड़ी खाई में गिर गई थी। जब वो गाड़ी खाई में गिरी तो उसके अंदर बैठे जवान जिंदा थे और अपने आप को बचाने के लिए मदद मांग रहे थे, पर गांव के लोगों ने मदद के बदले इन जवानों को लूट लिया और वहां से भाग गए। बाद में इन जवानों की उसी जगह मौत हो गई। अगले दिन जवानों की मदद करने टीम आई, पर जवान तो सारे मर चुके थे। जब टीम ने पूछा तो गांव वालों ने बताया कि जब ये खाई में गाड़ी गिर गई थी तो गिरते ही सारे जवानों की मौत हो गई थी। साथ ही साथ ये बताया कि इन जवानों को रात को कुछ लोग लूट कर ले गए। गांव वालों ने टीम को झूठ बोला और टीम ने इन सब बातों पर यकीन कर लिया। इसी बीच खाई में गिरी गाड़ी को निकालने वाली टोइंग वैन भी खाई में गिर गई। उस टाइम गाँव वालों को ये घटना इत्तेफाक लगी, पर यह घटना इत्तेफाक नहीं थी। एक रात एक इसी गांव के आदमी को हादसे वाली जगह कुछ रोशनी दिखी। वो वहां गया और देखा तो कुछ जवान वहां गर्दन झुकाए मदद के लिए पुकार लगा रहे थे। वो आदमी ये सब देखकर इतना डर गया कि वो वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन गांव वालों ने उससे पूछा तो उसने सब सच बताया। सबको लग रहा था कि ये एक भ्रम है और उसने कोई सपना देखा है। धीरे धीरे घटनाएं बढ़ने लगी, क्योंकि सरपंच को रोज एक नया किस्सा सुनने को मिलता था। एक आदमी ने सरपंच को बताया कि जवानों ने गांव के पास आकर उस आदमी को बोला कि इस गांव को खाली कर दिया जाए, वरना वो यहां रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे। अब डर बढ़ता जा रहा था। सभी गांव वालों ने रातों को पहरा देना शुरू कर दिया था। एक रात गांव वालों को पहरा देते समय कुछ ऐसा दिखा जिसने उस गांव को हिला कर रख दिया। सभी लोग इकट्ठे थे और पहरा दे रहे थे, तभी अचानक जवानों की आवाज सुनाई दी। कुछ जवानों की टुकड़ी गांव की तरफ आती दिखी। सभी जवानों के सर झुके थे और अपने हथियार लेकर गांव वालों की तरफ वो आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन जवानों की तादाद बढ़ती चली गई। इतनी सारी जवानों की आत्मा देखकर गांव वाले अपने घर जाकर छुप गए। ये सब आंखों देखा धोखा लग रहा था, पर सच था। अब चिंता का विषय था, क्योंकि गांव वालों ने जवानों के साथ जो किया वो गांव वालों को समझ आ गया था कि वो गलत था, और शायद गांव वालों की मौत ही अब जवानों की आत्मा को शांति दिलाएगी। धीरे धीरे गांव में रहना मुश्किल होता जा रहा था। गांव वालों ने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। गांव के एक पंडित ने इसका तोड़ निकाला और ये बताया कि जवानों की आत्मा को शांति मिल जाए, इसलिए इस गांव को खाली करके हमें चले जाना चाहिए, और जो भी धन हमने जवानों से चुराया था उसका उनके मृत्यु स्थल पर मंदिर बनवाकर सारा पैसा खर्च कर देना चाहिए। गांव वालों ने यही कार्य किया और अपनी जान बचाकर रातों रात भाग गए। कुछ सालों बाद इस गांव में दोबारा बसेरा हुआ, पर वो लोग भी भाग गए क्योंकि इस गांव में अब आत्मा का बसेरा हो चुका था। दोस्तों, अब जो भी इस रोड से निकलता है वो इस मंदिर में दर्शन करके आगे बढ़ता है। कई रातों को सफर करने वाले लोगों ने यह जवानों की आत्मा को देखा है। खुशकिस्मती से वो वहां से बचकर निकल गए। आप लोग क्या सोचते हैं इस गांव के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जहां आपको रेगुलर मिस्टीरियस फैक्ट्स मिलते रहेंगे। हमारे पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।